तुम्हाला बोला सगळ्यांनी शुभ दीपावली। दीपावली का ये त्योहार आज बड़े ही धूमधाम से मुंब्रा शहर में मनाया जा रहा है। खुशियों के इस त्योहार पर लोग अपने अपने घरों को सजाए हैं और दियों की जगमगाहट से पूरा घर रोशन है। दिवाली के मौके पर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर लोगों ने मुबारकबाद दी है। बच्चों के हाथों में फुलझड़ी तो जवानों ने पटाखे फोड़कर दीपावली के इस त्योहार पर जश्न मनाया है। दीपावली का ये त्योहार सनातन धर्म में बड़ा ही महत्व रखता है। भगवान श्री राम रावण का वध करके 14 साल बाद वनवास से अयोध्या लौटे तो उसी दिन पूरी अयोध्या नगरी में लोगों ने दीप जलाकर भगवान श्री राम के आगमन पर दीपावली मनाई। तभी से दीपावली का ये पर्व अंधकार पर विजय का पर्व मनाया जाता है और हर साल दीपावली के इस पर्व को लोग मनाते हैं। इसी तरह से मुंब्रा के शंकर मंदिर पर दीपावली के मौके पर छत्रपति शिवाजी महाराज का खूबसूरत किला भी बनाया गया है। साथ ही छठ तालाब पर 201 दीप जलाकर दीपावली के इस पर्व को मनाया गया। आज दीपावली के मौके पर खुशियां मनाते हुए लोगों ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। सगळ्यात अगोदर सगळ्यांना माझ्यातर्फे आणि साई प्रसाद सारतर्फे सगळ्यांना शुभ दीपावली। एकदा बोला सगळ्यांनी शुभ दीपावली। आणि दिवाळी हा सण सगळ्यांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। तुम्ही असेच आनंदात राहा, हमेशा नेहमी म्हणजे असं उत्साही राहा, हेल्दी राहा। कारण मेन आत्ता जे आपण बघतोय सगळ्यांना की सगळेजण खूप दिवसांनी खूप वर्षांनी एवढ्या धूमधडाक्यामध्ये दिवाळी सेलिब्रेट करत आहेत आणि सगळे मस्त आनंदित आहेत। आणि तुम्ही बघू शकता की सगळी मस्त लाईटिंग आहे, सगळे एकदम रांगोळी काढलेल्या आहेत। आम्ही सगळे खूप खुश आहोत। आणि मेन दिवाळी सण म्हणजे कसा, सगळे आम्ही एकत्र आहोत। दिवाळीची सगळ्यांना सुट्टी असते, मोस्टली सगळे घरी असतात, तर सगळे सेलिब्रेट करतात हा सण। आणि क्या नाम बेटा आपका? सोनाली धीरज गुप्ता। अच्छा, आज दीपावली का त्योहार है, क्या पटाखे उटाखे फोड़े, मिठाई विठाई खाए आपने? हाँ, हमने पटाखे भी फोड़े दिवाली में, बहुत सारा खाना खाया, मिठाई खाए, बहुत कुछ। अच्छा, क्या क्या खाया आपने अभी? रसगुल्ला, काजू कतली, पूरी, सब्जी, बहुत कुछ खाया। दीपावली के मौके पर क्या कहेंगे लोगों को आप? हैप्पी दीपावली, हार्दिक शुभकामना आपको। हैप्पी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी गुप्ता। दीपावली का आज पर्व है, बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? दिवाली एक हम लोग का त्यौहार है, सब लोग का त्यौहार है, हिंदू धर्म का। राम वनवास से 14 साल के बाद आए तो इसलिए हम लोग दिवाली मना रहे हैं और घर को सजाया जा रहा है। अच्छे अच्छे पकवान पकाते हैं, सबको मतलब खिलाते पिलाते हैं, पटाखे बम फोड़ते हैं, इसलिए हम लोग दिवाली मनाते हैं। ऐसी दिवाली हम लोग दिवाली को अच्छा त्यौहार मानते हैं, साल में एक बार आता है, बहुत अच्छा भारी त्यौहार है। इसमें कचौड़ी चकली या मतलब अच्छा अच्छा बनाते, जो जो मेहमान आते हैं आजू बाजू को खिलाते पिलाते, दिया हुआ जलाते, लक्ष्मी पूजा रहता है। मैं रागनी मौर्या, ये शुभ दीपावली की तरफ से हमको बहुत सारा लाभ मिलता है। पटाखे फोड़ते हैं, अच्छा अच्छा खाना पकाते हैं, सबको मुबारकबाद देते हैं। ये दीपावली इसलिए मनाया जाता है जो राम वनवास से लौट के आते हैं उनकी खुशी में हम लोग धूम धड़ाका अच्छे से त्यौहार मनाते हैं। अधिक शुभकामना, हैप्पी दिवाली।